आज हम घूमने वाले हैं पूरा दिल्ली, और दिल्ली फेमस है खाने के लिए। इसके लिए हम करने वाले हैं ब्रेकफास्ट कहीं और, लंच कहीं और, स्नैक्स कहीं और डिनर करेंगे हम कहीं और। तो चलो खाने और घूमना दोनों स्टार्ट करते हैं। I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down in New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends. Probably cause they see me riding in a brand new Benz. सबसे पहले ब्रेकफास्ट के लिए हम आए हैं यहाँ पिल्ले दी हट्टी। अंकल ब्रेकफास्ट में सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग आइटम पूरी छोले। पर है ना तो थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये पूरी टेबल हमारे लिए खाली करवानी है, तो बस मैं खाने का वेट कर रही हूँ। ओके सो हमारा खाना आ चुका है। यहाँ का सबसे फेमस पूरी छोले, यार गर्मा गर्म पूरी और छोले मेरे पास आ चुका है। देखो छोले कितनी प्यारी कंसिस्टेंसी है इसकी, मसालेदार छोले लग रहे हैं। एंड इसके साथ हमें मिला है अचार, मिर्ची का अचार है, सैलड है, प्याज वगैरह भी है। एंड लुक एट दिस, मीठे में हमारे पास है सूजी का हलवा। ओह माय गॉड, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ इसको खाने से। ठीक है अभी नेक्स्ट हमारे पास है ये लस्सी, और देखो मलाई देखो ये लस्सी के ऊपर। ओह माय गॉड भाई, दिखने में तो 10 out of 10। अब टेस्ट करते हैं। छोले ना बहुत मसालेदार होते हैं, लेकिन ये छोले, इन छोलों में हल्का सा ही खट्टा बन गया जो ना पूरे टेस्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहा है। ओके एक चीज़ जो यहाँ के बारे में बताऊँ जो बहुत कम लोगों को बताओगी, ये जगह 60 साल पुरानी है, एंड 60 साल का इनका एक्सपीरियंस भी होगा, तो उस हिसाब से यार टॉप लेवल। देखो पर्सनली तो मैं इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ मीठे की, लेकिन ये दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। आई हैव टू ट्राई दिस। क्या बताऊँ, मुंह में जाते ही घुल जा रहा है। इस लस्सी की अगर मैं बात करूँ, मैंने बहुत सारी लस्सी आज से पहले भी पी है, लेकिन ये परफेक्ट पंजाबी लस्सी वाला टेस्ट दे रही है, क्योंकि यार इसकी कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी है एंड उसके ऊपर ये मलाई। मीठे की अगर मैं बात करूँ, ना मीठा ज़्यादा है ना कम है, एकदम परफेक्ट। ओके तो शुरुआत तुम्हारी बहुत अच्छी हुई है, अब बारी है लंच की। बाकी मेरा वाला तो मेरी मम्मी लेके आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आराध्या की तरफ से, उन्होंने पूछा आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। करंट फेवरेट तो यार मैं वन लव सुन रही हूँ शुभ का। खाने में बहुत सारी चीजें हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले ये वेज मंचाओ सूप से। देखो बहुत सारी वेजीज इसमें है, थिकनेस भी बहुत अच्छी है। अब इसको टेस्ट करते हैं। Honestly, it's average, very average, and वैसे भी मैं इतनी बड़ी सूप लवर हूँ नहीं, तो आगे बढ़ते हैं।
सो लेट्स मूव ऑन टू द पास्ता. मुझे ना ऑनेस्टली वाइट सॉस पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट है. लेकिन यहाँ पर हमें मिक्स सॉस पास्ता मिला है, लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा है. इट्स एक्चुअली गुड, इट्स एक्चुअली गुड. सारे मसाले, सॉस की जो थिकनेस है एंड पास्ता जिस जितने कंसिस्टेंसी में पकना चाहिए उतना ही पका है. परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट. नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं गार्लिक ब्रेड. ठीक है, ऑनेस्टली मैं इतनी बड़ी फैन हूँ नहीं गार्लिक ब्रेड की, बट लेट्स टेस्ट कैसा है. नॉर्मल है, ब्रेड के ऊपर चीज़ है पर अच्छा है. तो यहाँ का नाम है द पिज़्ज़ा प्लैनेट. यहाँ का पिज़्ज़ा अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं. चीज़ को तो अच्छा था, देखते हैं टेस्ट कैसा होगा. दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. एंड बेस्ट पार्ट पता है क्या है, अनलिमिटेड है ये, अनलिमिटेड. दिस इज सो गुड. बस मेरे लिए एक चीज की कमी है. देखो मुझे बॉयकॉट मत कर देना. जिन लोगों को केचप नहीं पसंद वो मुझसे दूर रहे, और जिन्हें केचप पसंद है पिज्जा के साथ. Everything is perfect. The crust is so soft. And all the veggies and the oregano and ketchup, जिसकी कमी थी वो पूरी हो गई है. बहुत ज़्यादा टेस्टी है. ओके सो ये है पिज़्ज़ा बॉम. ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, बट लेट्स ट्राई इट. ओह माय गॉड, दिस इज़ गोना बी माय फेवरेट थिंग. इस सारी चीज़ों में से ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे. जो फ्लेवर्स नाच रहे हैं ना मेरे पूरे मुंह के अंदर, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ. लुक एट द चीज, इट्स मेल्टिंग डाउन फॉर मी. इवनिंग स्नैक्स की, पता है हम कहाँ जा रहे हैं? ओके मैं एक हिंट देती हूँ, वो पूरे इंडिया की खाने के लिए सबसे ज्यादा फेमस जगह है. आप लोग गेस करो, तब तक मैं पहुंचती हूँ. चांदनी चौक, और यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ खाना ही खाना है. हम यहाँ पर करने वाले हैं इवनिंग के स्नैक्स. यार ये मुझे ना आलू चाट टाइप वाइब दे रहा है. इसमें बहुत सारी दही है और इसमें अच्छा है. थोड़ा सा मीठा है, थोड़ा सा मसाला भी है, थोड़ा सा खट्टा भी है. परफेक्ट. हम ट्राई कर रहे हैं श्री बालाजी के, ये पानी पूरी या गोलगप्पे कुछ के भी कहते हैं. खैर चलो अभी हम लोग ट्राई करते हैं. एकदम खट्टा पानी है.
बहुत टेस्टी है, बहुत तीखा है, बहुत मिर्ची है। सारी लड़कियां जो भी देख रही हैं भाई, यहाँ के जरूर ट्राई करो। सच में बहुत ज्यादा तीखे, मसालेदार और टेस्टी। डिनर के लिए हम आए हैं विज्ञानम रेस्टोरेंट में, जो कि है मजनू के टिला में, एंड यहाँ पर मिलता है ऑथेंटिक कोरियन फूड। ऑनेस्टली नहीं लग रहा कि मैं दिल्ली में हूँ, पूरा कोरियन वाइब्स आ रही है मेरे को। पता है ये पूरा एरिया मैंने कार्टून्स में देखा था, ठीक है, डोरेमोन और शिनचैन, वहाँ पर मैं ये सब देखती थी, ऐसे बैठ के फैमिलीज खाती थी। एंड आज मैं वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लिटरली बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। सबसे पहला आइटम हमारे पास है, ये वेज डम्पलिंग्स। यार ये देखने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, और ये धुआं देख रहे हो, स्टीम जो इससे निकल रहा है बहुत ज़्यादा गर्म गर्म है। इसके साथ ये रेड चटनी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लुक एट द कलर, आई वांना हैव दिस। गाइस पहले खा लेती हूँ फिर बताती हूँ, रुक जाओ। द बेस्ट थिंग, द बेस्ट मोमोज और डम्पलिंग्स I've had in my entire life. एक बार आओ, एक बार खाओ, बार बार आओ, मैं बता रही हूँ। एक चीज मैं आप लोग को बता दूँ, मैंने आपसे पहले रामेन ट्राई नहीं की है, दिस इज वन ऑफ माय फर्स्ट टाइम इन दिस कोरियन, ऑथेंटिक कोरियन रेस्टोरेंट। दिस इज द रामेन, दिस इज द राइस, एंड दिस इज द किमची। ओके लेट्स ट्राई इट। क्या मुझे नॉर्मल स्पून से खा लेना चाहिए? आई थिंक सो। ओके फर्स्ट लेट्स गो फॉर द सूप। खट्टे खट्टे से, बट नाइस, खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ रहा है, पता नहीं किस चीज का है, बट बहुत ज्यादा टेस्टी। The best ramen. Ramen भी ना कह सकते हो एक healthier version है मैगी का, क्योंकि ये वीट नूडल्स होते हैं, एंड इसका जो टेस्ट है ना ही बहुत ज़्यादा मसालेदार है, बहुत ज़्यादा माइल्ड फ्लेवर आ रहे हैं, लेकिन हर एक फ्लेवर अलग अलग हिट कर रहा है वो। एंड टॉकिंग अबाउट द ग्रेवी, ठीक है, ग्रेवी में एक हल्का सा खट्टापन है, एंड वेजीज भी इसके साथ है, तो यार ऑल इन वन चीज़ें हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेट्स ट्राई द किमची। किमची बेसिकली अचार होता है शायद से कैबेज का, इसको हम ट्राई करते हैं। दिस कोरियन स्टिकी राइस, I'm sorry.
किमची, ये बेसिकली कैबेज है एंड इसके ऊपर बहुत सारे स्पाइसेस हैं, मिर्च, लाल मिर्ची वगैरह आई है। खट्टा खट्टा सा हो रहा है, तीखा तीखा सा हो रहा है, अचार जैसा होता है बेसिकली। एंड बाकी जो राइस है ना, ये नॉर्मल राइस नहीं लगती, इसका एक अलग अपना टेस्ट है। एंड जब इसको इसके साथ खा रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। यार आज मैंने पूरे दिन भर जो भी कुछ खाया उसमें अगर आप लोग सिर्फ एक चीज़ पूछोगे ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो वेज डम्पलिंग्स, सबसे ज़्यादा टेस्टी थी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरी एज पूछी है, मैं हूँ 20 इयर्स की एंड अभी जनवरी में मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मैं 21 की भी हो जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सब लोगों ने मुझसे पूछा था वो ये था कि मैंने गॉड लाइक लीव क्यों किया। यार अभी ना मैं खाना खाने में बहुत बिजी हूँ, मुझे खाना ख़त्म करके घर भी जाना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम आगे किसी वीडियो में देंगे। सुबह की शुरुआत हुई थी हमारे पंजाब से, उसके बाद हम इटली पहुँच गए, इटली के बाद वापस हम पहुँच गए यूपी में, एंड यूपी के बाद हम उड़ के चले गए कोरिया। यार आज बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी कर लिया और बहुत ज़्यादा खा भी लिया। बाकी अब आप लोग बताओ वीडियो कैसा लगा, एंड पूरे दिन भर की कैलोरीज काउंट करके ना कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय। गलां दी लाली ने जकीते पूरे हाल, बिल्लो गुट ते परांदा तेरा।